मित्रों, आपकी शादी कैसे घर में होगी, कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, इस चीज का संकेत आपकी हाथ की हथेली पर मौजूद विवाह रेखा देती है। और अन्य स्थितियों को भी देख करके ये जायजा लगा जा सकता है कि आपकी आपका जो विवाह है, मैरिड लाइफ है, वो कैसी रहेगी, आपका सहयोगी कैसा होगा, आपकी शादी किस तरह के घर में होगी, अच्छे घर में या फिर कुछ ऐसे जगह या ऐसे लोगों से जहां पर आप परेशान रह सकते हैं। तो ये जानकारी विवाह रेखा हथेली पर देती है। दोस्तों, जानते हैं कि विवाह रेखा जिन व्यक्तियों के, स्त्री पुरुषों के हाथ में विवाह रेखा होती है, यहां पर बुद्ध पर्वत के नीचे यहां पर विवाह रेखा होती है, तो जिन व्यक्तियों के हाथ में विवाह रेखा बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट दिखाई दे रही है और अच्छी खासी जो है लंबाई लिए हुई है, विवाह रेखाएं यहां पर एक या दो देखी जाती हैं, तो दो तक विवाह रेखा शुभ मानी जाती है। और विवाह रेखा का ये यहां पर ये प्रतीक होता है कि दो, एक या दो विवाह रेखा है तो ऐसे व्यक्ति का विवाह जो है अच्छे तरीके से होता है और साथ में जो है ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत सुखद और उन्नतिपूर्ण होता है। दोस्तों, विवाह रेखा जब स्पष्ट रूप से हो, यहां पर विवाह रेखा में किसी तरह का कोई जाल ना बना हो, कोई तरह का द्वीप ना हो, विवाह रेखा दो मुखी ना हो, विवाह रेखा टूटी हुई ना हो या विवाह रेखा दो से अधिक ना हो, तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह जो है अच्छे परिवार में होता है, धनवान परिवार में होता है और ऐसा व्यक्ति वैवाहिक जीवन से बहुत सुखी होता है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों के ही हाथ में विवाह रेखा होती है। पुरुषों को अपना राइट हैंड की विवाह रेखा देखनी चाहिए और स्त्रियों को लेफ्ट हैंड की विवाह रेखा देखनी चाहिए। दोस्तों, चंद्र पर्वत से यदि कोई रेखा आते हुए यदि भाग्य रेखा की तरफ जा रही हो, चंद्र रेखा से कोई आपकी विवाह रेखा जो है भाग्य रेखा की तरफ बढ़ रही हो या काफी हद तक बढ़ चुकी हो, तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह भी जो है बहुत अच्छे घराने में होता है, उच्च परिवार में होता है, सम्मानित परिवार में होता है, जिनका नेम और फेम बहुत अधिक होता है, धन दौलत शोहरत ऐसे व्यक्तियों के पास हो, ऐसे व्यक्तियों से ऐसे स्त्री या पुरुष का संबंध होता है। तो ये रेखा जो है भाग्य की तरफ बढ़ती हुई विवाह रेखा यदि किसी के हाथ में है और स्पष्ट रूप से साफ सुथरी एक या दो रेखाएं हैं, बिना कटे फिटे, बिना टूटी फूटी, बिना जंजीरदार, बिना चौड़ी या बहुत मुखी वाली ना हो करके स्पष्ट रूप से साफ सुथरी रेखा हो, तो भी वो विवाह के संदर्भ में बहुत अच्छी होती है। लेकिन यदि रेखा भाग्य की तरफ बढ़ रही हो या चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा की तरफ कोई रेखा यहाँ पर मिल गई हो या आगे जाकर मिल गई हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए विवाह के संदर्भ में वो रेखा बहुत अच्छी होती है और ऐसे व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर होकर के वो प्रेम और सुख का प्रतीक होता है। ऐसे व्यक्ति को लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होता है, मिलता है, प्रेम करने वाला, अत्यधिक सहयोग करने वाला, केयर करने वाला, पति ही नहीं बल्कि ससुराल, चाहे वो पुरुष के लिए हो चाहे स्त्री के लिए हो, ऐसे व्यक्तियों को ससुराल से बहुत सपोर्ट मिलता है, खूब सारी धन संपदा और उसके बल पर वो बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन, लग्जरी लाइफ जीते हैं। दोस्तों, पुरुषों का मंगल पर्वत यदि अच्छा हो, ये मंगल पर्वत यहाँ पर होता है और ये शुक्र पर्वत, तो मंगल पर्वत और शुक्र पर्वत यदि उठे हुए हों, अच्छे हों, दबे हुए ना हो, इन पर कोई क्रॉस का निशान ना हो या कोई जाल का निशान ना हो, कोई अंकुश ना हो, साफ सुथरे स्पष्ट हो, लेकिन अगर शुक्र या मंगल पर्वत पर मंगल पर्वत शुक्र पर्वत दोनों ही अच्छे उठे हुए हों अच्छे तरीके से, तो उनके लिए, और साथ में यदि कोई गोल निशान हो
या फिर वृत्ताकार हो, चौकोर हो, गोल हो या त्रिकोण का निशान यदि मंगल या शुक्र पर्वत पर हो, तो ऐसे व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन भी बहुत सुख संपदा के साथ में संपन्न रहता है। जीवन पर्यंत साथी का साथ मिलता है और एक बहुत सुंदर लाइफ होती है। स्त्रियों के हाथ में शुक्र पर्वत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। शुक्र पर्वत पर जाल के निशान नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोगों के शुक्र पर्वत पर बहुत आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं, तो उनका जो है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। और साथ ही में जीवन में धन संपदा के मामले में भी काफी कमी होती है, लग्जरी लाइफ के मामले में काफी कमी होती है। तो इसीलिए मंगल और स्त्रियों के लिए मंगल पर्वत अच्छा होना चाहिए और पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए शुक्र पर्वत अच्छा होना चाहिए, पुरुषों के लिए मंगल और शुक्र दोनों ही पर्वत अच्छे होने चाहिए, इनके जो स्थान हैं वो अच्छे होने चाहिए। साथ ही में स्त्रियों के लिए एक चीज और विशेष है और वो ये है कि स्त्रियों का जो गुरु पर्वत है, इस हाथ के ये जो एरिया है और गुरु की जो उंगली है, ये एरिया, इस एरिया पर ये जो हाथ का उंगली का जो एरिया है गुरु पर्वत, ये बहुत साफ सुथरा और उठा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल दबा हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छा उठा हुआ होना चाहिए। साथ ही इस पर अगर क्रॉस का निशान ना हो और वृत्ताकार चौकोर निशान हो या फिर त्रिकोण निशान हो या फिर गोल ऐसे करके निशान हो, तो दोस्तों ये निशान जो है और ये उठा हुआ गुरु पर्वत स्त्रियों के लिए बहुत ज़रूरी है। स्त्रियों का गुरु कुंडली के अंतर्गत और हाथ में गुरु पर्वत स्वच्छ साफ सुथरा और बिना जाल बिना कट के होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे स्त्रियों का गुरु देवगुरु बृहस्पति अच्छे होने चाहिए। जिन स्त्रियों के हाथ में गुरु पर्वत अच्छा है या कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति की सिचुएशन स्थिति अच्छी है, बेटर है, तो ऐसी महिलाओं का, ऐसी स्त्रियों का वैवाहिक जीवन बहुत सुखद होता है, संपन्न होता है हर प्रकार से। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए ये कहा जा सकता है कि जिनके ये पर्वत, व्यक्ति पुरुष के लिए मंगल शुक्र पर्वत अच्छा होना चाहिए, स्त्रियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का पर्वत और शुक्र का पर्वत अच्छा होना चाहिए। इससे संतान उत्पत्ति भी कोई बाधा नहीं बनती है और सब प्रकार से संपन्नता से वैवाहिक जीवन एक अच्छे परिवार में होता है, धनाढ्य परिवार में होता है। तो ये आप अपने हाथ में चेक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इससे अधिक यदि आपको जानकारी चाहिए, अपने हैंड रीडिंग करवानी है विवाह के मामले में या किसी और मामले में, कुंडली एनालिसिस करवाना है, तो उसके लिए आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस देना ज़रूरी होगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी तो इसे अन्य स्थानों पर ग्रुप्स वगैरह में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।